छोड़कर सपा उपस्थित हो रहे हैं। माननीय प्रफुल्ल जी विजयों का स्वागत है, आप मंच पर आइए। और सागर के पार्टनर अनिल गोयल जो सीबीआई विजिलर हैं वो भी सपा समर्थन के लिए, आप दोनों मंच पर आइए, आपका स्वागत है। कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, उम्मीद है कि सपास और मजबूत होगा सागर में। किसी दबाव में नहीं, आज सुबह खुद आए नेस्ट हाउस में माननीय त्रिवेदी से मिले और इन्होंने बोला कि अब मेरा दिल भर गया है भाजपा कांग्रेस से, अब मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, दुबे जी को और अमित गोयल जी को, कि समाज के कास्तक आए और इनका कहना है कि राजनीति से मतलब ही समाज के लिए कुछ करना है, इस सोच को मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद। आदरणीय हमारे संरक्षक जी, मंच पर विराजमान सपाक्ष के लोग, समस्त पदाधिकारीगण और हमारी प्रिय बंधु, मेरी तीन पीढ़ी से हम लोग कांग्रेसी हैं, हम शुक्रवारी पर रहते हैं, हमारे परिवार के लोग इस शहर के मालगुजार थे, हम लोग हरदा सुमरदा सुखवारी के नाम से जाने जाते थे। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा पिछली बार, अभी मैं किसान कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आज मैं इस्तीफा दे रहा। उसके दो बहुत बड़े बड़े मुद्दे, एक तो जो वीरेंद्र खटीक ने हम लोगों को रूहानी न बोला, इसका सीधा सीधा मैसेज है कि वो हमें हिंदुस्तान का मानते ही नहीं। दूसरा कांग्रेस से इस्तीफा देने का सबसे बड़ा मुद्दा कि एक भी कांग्रेसी ने ये नहीं कहा, एक भी कांग्रेसी नेता ने ये नहीं कहा कि सब समान वर्ग के लोग रूहानिया तो नहीं, आजादी से लेके समाज के समस्त परिवर्तनों में सामान्य वर्ग के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं बहुत बोल सकता हूँ, मैं मुझे बहुत पढ़ा है मैं, पर मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। ये एक आंदोलन है, समाज परिवर्तन का आंदोलन, प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पद प्रकृति में और समाज में परिवर्तन होता है, और जो पॉजिटिव परिवर्तन है, जो समाज के हित में और जो राष्ट्र के हित में परिवर्तन है, उसके लिए संघर्ष की शुरुआत। सबसे मुख्य मुद्दा है कि हमें इस संघर्ष में हमें कुछ नहीं मिलना है, हम केवल समाज के सामाजिक क्षण प्रतिक्षण होने वाले उस परिवर्तन में शामिल हो रहे हैं जो इस देश को मजबूती देगा। जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ और स्वतंत्रता की जागृति 1947 में आके संपूर्ण देश, संपूर्ण जातियां, संपूर्ण समाज आंदोलित हुआ, मतलब 90 साल लगे हैं देश की आजादी को, आजादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इस राष्ट्र निर्माण के लिए ये सपाक्ष है जो सामाजिक परिवर्तन को, जो राष्ट्र हित में आगे ले जाने के लिए हम अपने आप को 1857 का मंगल पांडे समझते और हमें निस्वार्थ बिना कुछ चाहे बिना कुछ किए संपूर्ण समर्थन समर्पण से, संपूर्ण आह्वान से, संपूर्ण आहुति देकर इस सपाक्ष को मजबूत बनाना है, इस परिवर्तन में भागीदार होना है। हमें राष्ट्र निर्माण में उन शहीदों के, जो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, इनकी रास्ते पर जाकर जिनने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, मैं आपसे केवल भगत सिंह
भगत